ऑलराइट गाइस, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी के लिए उबले हुए आलू हैं, शिमला मिर्च है, इसमें मटर भी है, राइट, टमाटर है, और हमने ये लाए हैं रोल्स ब्रेड के लिए, नाइस ब्रेड रोल्स। इसको भी ज़रा तवे पे कर लेंगे, तो अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनती है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस गाइस एंड लेट्स एंजॉय द पाव भाजी टुडे, इट्स नाइस। एक्चुअली ये आइडिया मुझे आया था कि मैं एक वीडियो देखा, पूजा ने मुझे वीडियो भेजा था पाव भाजी का, फिर मैंने बोला ठीक है यार चलो आज पाव भाजी बनाते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड वी हैव एवरीथिंग, सो लेट्स मेक इट। ऑलराइट गाइस, सो पैन रखा हुआ है अभी थोड़ा हीट होने के लिए, उबले हुए आलू हैं, अदरक लहसुन। अभी हम पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उबले हुए आलू डालेंगे इसमें और थोड़ा मैश करेंगे, और छौंका होता है वो सेकंड स्टेप में करेंगे। एंड पाव है ही है, एंड यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाजी बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड वी हैव वन एंड दिस इज़ अमेजिंग। इससे ही भाजी में मज़ा आता है जब क्रश करोगे वेजिटेबल, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यू नो हाउ द भाजी यू नो एक्चुअली मेड। सो लेट्स कीप गोइंग गाइस, इसको थोड़ा हॉट होने के लिए, थोड़ा हॉट हो रहा है अभी, ओके ऑलराइट, लेट्स थ्रो सम कटेड ऑन इट, ओके, सम बेल पेपर एंड सम टमेटोज, और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा वाटर, ताकि ये ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, सो दैट इट हेल्प little bit, boil it and now we're gonna cover it, okay, so I will show you in a minute the next step. All right, ye ek ubal gaya hai, ab isko mash karenge, theek hai, aisa karte hain, right, like this, mash it nicely, to abhi main mash karta hu aur mash karne ke baad aapko dikhata hu, to ye dekhiye acche se mash kar liya hai maine, और ये मिक्स करके सो क्या करेंगे इसमें डालने का कोशिश करता हूँ, एक मिनट का इस, चलिए थोड़ा सा अब डालते हैं इसमें ऑयल, अब छौंका लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल डाला, ओके, यहाँ पे ऑयल रख दिया, थोड़ा सा हल्का जीरा डाल दो अगर डालना है, एंड इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए, गर्म होने के बाद इसमें डालूँगा स्पॉइलर, बेयर कम हियर, सेट गुड बेयर, ओके, इसमें मैंने अदरक लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च, अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है, लेट्स पुट इन दिस, ओके, अब इसके अंदर हमने डालेंगे ये मैश किया हुआ मिक्सचर, ठीक है, ओके, अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे लाल मिर्च, लाल मिर्च का इसमें काफ़ी अच्छा तादाद में, हल्का सा नमक डाल दे देंगे, हल्का सा हल्दी, हल्का सा थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है क्योंकि इसमें गर्म मसाले डलते हैं, और ये है थोड़ा चाट मसाला, तो एक मिनट, और सबसे अंत में डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें ही पाव भाजी मसाला डाल के और इसको फिर चलाएंगे, थोड़ा सा धनिया, अपने पास एकदम से हरा धनिया गल गए थोड़ा सा, सो आई जस्ट पुट सम ड्राई धनिया, अच्छा, ओके, एंड बस
All right, guys. So finally, pav bhaji is ready. Almost, it looks very nice. इसको सर्व करेंगे. हमारे पास पाव हैं और प्याज, नींबू, हरी मिर्च और थोड़ा चाट मसाला डाल के. और हमारे पास पाव है, पाव को इसमें सेकूंगा और फिर आपको एक फ्रेश प्लेट बना के देता हूँ. अमेजिंग पाव भाई. लुक्स गुड. दिस लुक्स रियली गुड. ऑल राइट, प्लेट इज रेडी. सो दैट्स माय प्लेट. नींबू है, थोड़ा चाट मसाला, प्याज, हरी मिर्च एंड लेट्स सी हाउ दैट वी लास्ट पीजे. ओके, दिस फॉर पीजे, दिस फॉर मी एंड आई होप दिस लुक्स. इसमें नींबू डालेंगे एंड एवरीथिंग एंड देन यू नो इट्स रियली नाइस. सो हियर यू गो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय यू नो पाव भाजी इज सो अमेजिंग. ऑलराइट, टेक केयर.